हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, आज से हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध, रिलेशन, संबंध। जैसे मान लो यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भोपाल और मध्य प्रदेश एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये राजधानी एक रिलेशन है। भोपाल और मध्य प्रदेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। और राजधानी क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन होते हैं, पिता पुत्र का होता है। ठीक है ना, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो संबंध, जैसे आप समझते हो भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ये सब कहलाता है हमारा क्या? संबंध कहलाता है। तो हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक संख्या दी हुई है 25 पांच से विभाज्य है, तो 25 और 5 दो संख्याएं हो गई और विभाज्य है, उनके बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बीच में संबंध। सेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, मान लो कोई सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3। ठीक है, वही सेट ए ले लिया, उसका एलिमेंट ले लिया 1 2 और 3। अब मैंने आप लोगों को एडिशन प्रोडक्ट पढ़ाया है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन। ए क्रॉस ए में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ठीक है, ये किस तरह से हो जाएगा? 1 का गुणा 1 से होगा, 1 1 1 2 1 3, 2 का भी 2 1 2 2 और 2 3, ये हो गया। ठीक है, 1 1 1 2 1 3, ये पार्टीशन प्रोडक्ट कहलाता है और ये सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जितनी भी ये सब एक एक एलिमेंट कहलाएंगे, एक एक एलिमेंट। इन सारे एलिमेंट्स में अभी और आएगा ये 3 1 3 2 और 3 3। अब हम इसमें देखेंगे जो ए क्रॉस ए एक सेट है, ये भी एक सेट ही कहलाएगा। ए क्रॉस ए भी क्या कहलाएगा? सेट है। ये ए भी क्या था? ये भी सेट था। तो ये जो सेट है ए क्रॉस ए, इसमें ये जो एलिमेंट्स, दो दो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन है, संबंध है। किस तरह के संबंध है? मान लीजिए इसमें मान लिया हमने R1, R2 और R3 तीन प्रकार के रिलेशन है। रिलेशन को R से लिखते हैं, इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। वो कौन कौन से तीन रिलेशन हो सकते हैं? देखो, इनमें से आप देखोगे तो कुछ में दोनों संख्या इक्वल दिख रही हैं, दिख रही है ना। कुछ में पहली संख्या छोटी दूसरी संख्या बड़ी, पहली संख्या छोटी दूसरी संख्या बड़ी, और कुछ में पहली संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी। तो इनमें किस तरह का रिलेशन है? इसमें रिलेशन है छोटा है, बराबर है और बड़ा है का। पहली संख्या छोटी है या दोनों बराबर है या पहली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो क्या है दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन है? मान लिया R1 जो है तो छोटा है, रिलेशन हो गया। R2 है वो बराबर है, दोनों संख्याओं के लिए रिलेशन हो गया। और R3 क्या है? बड़ा। तो अब हम देखेंगे कि पहला रिलेशन किन किन संख्याओं में है, कौन सी कौन कौन से पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है। तो ये देखो, 1 रिलेटेड है 2 से, पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है। 1 रिलेटेड है 3 से, फिर 2 रिलेटेड है 3 से, ये है ना, बाकी कोई संख्या नहीं है। तो जो हमारा R1 एक सेट ही होगा, R1, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें से कौन कौन सी वाली संख्या आएगी? 1 2, ये 1 3 और 2 3, ये तरह की संख्या आएंगे। ठीक है, इसी तरह हम R2 कैसा रिलेशन है? बराबर है का रिलेशन।
इसमें देखें कौन कौन से बराबर हैं, तो हम देख रहे हैं 1 1 2 2 एंड 3 3 और ये जो R3 है वो रिलेशन पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है का रिलेशन है। इसमें कौन सी संख्या आएगी, इसमें संख्या आएगी आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी, तो 2 1 आ जाएगा आपका, और कौन सा आ जाएगा 3 1 आ जाएगा और 3 2 आ जाएगा, R1 R2 R3 ठीक है। ये R1 R2 और R3 क्या है, ये तीनों A क्रॉस A के सबसेट उप समुच्चय है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो R1 है ये भी किसका सबसेट है, A क्रॉस A का, R2 भी किसका सबसेट है, A क्रॉस A का, R3 क्या है ये भी सबसेट है A क्रॉस A का। सबसेट का क्या मतलब होता है, सबसेट का मतलब है कोई एक बड़ा सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर आप दूसरा सेट बनाए, तो वो जो दूसरा सेट हम बनाते हैं वो पहले बड़े वाले सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ये मैं समुच्चय की वजह से पहले आप लोगों को बता चुका हूँ क्या कहलाता है, वो जो हमारा उपसमुच्चय है वो पहले वाले बड़े वाले समुच्चय के एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया। देख लो R1 में जो भी एलिमेंट है सब यहाँ लिखे हैं, R2 में भी जो एलिमेंट है सब यहाँ लिखे हैं और R3 के एलिमेंट। तो A क्रॉस A R1 इसका सबसेट हो गया, इसका भी सबसेट हो गया। और तो अगर हम रिलेशन की डिफिनेशन बताना चाहें कि रिलेशन की डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो रिलेशन की डिफिनेशन क्या हो सकती है, किसी समुच्चय A पर जो संबंध R होता है, किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R या क्या होता है, ये उस समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। R क्या होता है, A क्रॉस A का किसी समुच्चय के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उप समुच्चय होता है। ये आप लोगों के कक्षा 12 में भी पहले चैप्टर है रिलेशन का, ठीक है ना। यहां से क्या पता चला, ये जो रिलेशन हम चाहे कोई भी रिलेशन है ये सारे इस सेट के क्या है, इस सेट का क्या है, ये सारे सबसेट है, उप समुच्चय है। तो किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R, कोई भी संबंध R, ये क्या होता है, A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये है रिलेशन की डिफिनेशन। ये तो एक सेट के लिए लिया, मान लो हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, अब हम इस पे विचार करते हैं, दो सेट लेते हैं, ठीक है। माना A बराबर हो गया हमारा 1 2 3 और B बराबर मान लो ले लिए 1 4 9, ठीक है। दो सेट आप ले लिए 1 2 3 और 1 4, तब आप इनका A क्रॉस B निकाल लो। सबसे पहले रिलेशन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, A क्रॉस B, 1 2 3 क्रॉस 1 4 9, ठीक है ना। 1 2 3 क्रॉस 1 4 9, तो ये हमारा हो जाएगा इसका, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 4 1 4, फिर 1 9 1 9, फिर 2 1 2 1, फिर 2 4 2 4 2 9 2 9 हो गया, फिर 3 1 3 1 3 2 3 2 नहीं है, 3 1 3 4 और 3 9, इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया गया, ठीक है ना। A और B दो सेट दिए हुए थे, इनका हमने A क्रॉस B निकाला, इस तरह से इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया गया। अब मान लो कि A और B में कोई संबंध R है, A व B में कोई रिलेशन R, ठीक है, इन दोनों सेट में कोई रिलेशन R, इस प्रकार डिफाइन है कि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, y इक्वल टू x स्क्वायर, ये रिलेशन है, ठीक है।
फॉर ऑल एक्स वाई, एक्स वाई इस तरह से लिखेंगे, ये जो इस तरह से ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमको इसके रिलेशन में, ये जो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कैसा रिलेशन है ये, कैसा रिलेशन है, आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर, ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसी से लेके हमको रिलेशन, क्यों रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन दोनों का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के एलिमेंट किस तरह से होंगे उसके लिए डिफाइन कैसा किया है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर में दिए हुए एलिमेंट्स हमने उसको एक्स वाई मान लिया, वो इसी से लेने हैं, सबसे पहली बात इसी के होने चाहिए, इसके होने चाहिए ए क्रॉस बी के होने चाहिए एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी के होने चाहिए, इस तरह से ए क्रॉस बी से हमको एलिमेंट लेना है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए इसी का एलिमेंट होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो आर में किस तरह से एलिमेंट आएंगे, देखो वाई, वाई मतलब दूसरा एलिमेंट, वाई मतलब इसके क्या होंगे दूसरे एलिमेंट, और एक्स मतलब ए पहले सेट का एलिमेंट। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर मतलब इस तरह से लेने हैं, जैसे हमने एक्स ले लिया, एक्स एक्स का स्क्वायर क्या होता है वाई, एक लिया एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, फिर एक्स बराबर दो ले लिया, एक्स बराबर दो ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स दो से लेने हैं तो वाई क्या होगा चार होगा, एक्स बराबर तीन ले लिया तो वाई क्या होगा नौ होगा। ये यहां पे है क्या, देख लेंगे एक एक है, दो चार है और तीन नौ है, आर इसका सबसेट भी दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, इसी से लेके बनाया गया ये सबसेट है, आर जो है इसी से बना हुआ है, इतना बड़ा सेट लिखा हुआ है, इतने सारे एलिमेंट्स इस पे लिखे हुए हैं, और आर में कितने एलिमेंट्स हैं, केवल तीन एलिमेंट्स हैं, आर में कितने एलिमेंट्स हैं, केवल तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आर को हम क्या देख रहे हैं कि जो आर है हमारा इसी ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, बहुत समुच्चय है, वही अभी हमने बताया किसी समुच्चय ए पर, वो एक समुच्चय के लिए था, अब कितने समुच्चय हमने ले लिए, दो समुच्चय ले लिए, तो दो समुच्चयों ए और बी में संबंध आर, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, दो समुच्चय लिए ए और बी, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस तरह से डिफाइंड होगा, वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्या होगा उपसमुच्चय होगा, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जैसे यहां पे एक समुच्चय के लिए लिखा था, आप दो समुच्चय के लिए लिख सकते हैं, दो समुच्चय ए और बी में संबंध, दो समुच्चय ए और बी में जो रिलेशन है उसके कार्ती, इन दोनों समुच्चयों का कार्ती गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, ए और बी में संबंध ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, दो समुच्चय दिए हुए हैं, उन दोनों में जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं संबंध का डोमेन और रेंज, रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, रिलेशन में किस तरह से एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होते हैं, मतलब दो दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्रमित युग्म में, ठीक है, ये ए बी किस तरह से एलिमेंट होते हैं रिलेशन में। अब हमको डोमेन बताना है कि डोमेन किसी रिलेशन का डोमेन क्या होगा और उसी का रेंज क्या होगा, ठीक है। मान लिया दो सेट कोई दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, दो सेट क्या दिए हुए हैं ए और बी दिए हुए हैं, उन दोनों सेटों में आर कोई रिलेशन है, तो निश्चित है ये किस तरह से होगा, आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा सबसेट होगा, आर क्या होगा ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। तो इस रिलेशन आर के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जब इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी के, तो इसके निश्चित तौर से जो एलिमेंट्स होंगे वो इस प्रकार के होंगे,
ऑर्डर पेयर में होंगे ना, आर के एलिमेंट किस तरह से होंगे, आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, एक्स वाई, ठीक है, किस तरह के होंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसका एलिमेंट होगा पहले सेट का एंड वाई बिलोंग्स टू बी। आई बात समझ में, ए और बी दो सेट अगर मान लो हमको दिए हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसका क्या होता है एक सबसेट, तो वो रिलेशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, इस टाइप से ऑर्डर पेयर में सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इस युग्म का ये जो प्रथम एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट, ठीक है, इस रिलेशन का पहला एलिमेंट इस संबंध आर का डोमेन कहलाता है, रिलेशन का नहीं, इस संबंध आर का, भाई ये भी तो एक सेट हुआ ना जो इन दोनों के बीच में रिलेटेड है, ठीक है ना, इन दोनों सेटों के बीच में रिलेशन है, इसका फंक्शन और रिलेशन दोनों एक ही तरह के। फंक्शन में क्या था कि पहला सेट दूसरे सेट के साथ संबंधित ही था ना, किसी इक्वेशन से, किसी बीजी व्यंजक की सहायता से, क्या था वो तो दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड थे, यहां भी वही है एकदम रिलेशन। तो ए और बी कि हम सेट के हमने एलिमेंट्स लिए और वो ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखे रहते हैं, ठीक है, तो इस रिलेशन का में ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो कहलाएगा उस रिलेशन का डोमेन, और दूसरा डोमेन के एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो उस रिलेशन के क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा या परिसर कहलाएगा। अतः डोमेन ऑफ आर, अगर मान लो हमको डोमेन ऑफ आर इस रिलेशन का डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ आर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें वो एलिमेंट होंगे सारे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट, ये एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, और एक्स वाई क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी लिखो या आर लिखो, ये इस तरह से। क्या हुआ इसका मतलब कि जो भी संबंध दिया हुआ है उसका हमको डोमेन निकालना है कि भाई इस संबंध के डोमेन का एलिमेंट्स क्या होगा, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन का एलिमेंट, और वो जो सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में लिखे रहते हैं वो इसके अंदर से ही लेने हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, वो आर के अंदर, वो हमारे रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इसकी हमको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ आर, तो क्या होगी, रेंज ऑफ आर हो जाएगी एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जो इस आर की रेंज है वो उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, वाई, वाई कैसा एलिमेंट होता है, इसका दूसरा एलिमेंट, ये जो रिलेशन है इसका दूसरे एलिमेंट का हम सेट बना लें, दूसरे एलिमेंट का हमने सेट बना लिया, वो सेट क्या कहलाएगा, इस रिलेशन का रेंज कहलाएगा। ये है हमारा डोमेन और रेंज, ठीक है, ये डोमेन आर, ये भी आर का सबसेट है, इसी से लेके बनाया जाएगा ना, और जो रेंज आर है वो भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, या डोमेन आर जो है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ये देखो, ये जो नीचे इक्वल का निशान लगा दिया, सबसेट का मतलब उस समुच्चय, जब ऐसा लगा दें इसका मतलब सारे एलिमेंट बराबर है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। इसी तरह रेंज जो है, रेंज आर है, ये भी सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, इस रिलेशन की रेंज और बी में जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा अब चलते हैं इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध, ये किस तरह का है, मान लो आर ए से बी में एक संबंध है,
तो आर किस तरह से लिखा जाएगा? आर ए से बी में एक संबंध है, तो आर किस तरह से लिखा जाता है? आर के एलिमेंट्स, रिलेशन के एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं, इस तरह से एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से होते हैं रिलेशन के एलिमेंट। ए से बी में एक संबंध है, मतलब ये आर क्या है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है का मतलब इसके एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाएंगे? ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे, सच दैट एक्स किसका एलिमेंट होगा? ए का, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये रिलेशन हो गया, ए से बी में एक संबंध है, तो हम रिलेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इस संबंध का प्रतिलोम निकालना है। जैसे हम संख्याओं का प्रतिलोम निकालते हैं, पांच का प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, तो ये हो जाता है एक बटे पांच, गुणा कर दे तो बराबर एक आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह से रिलेशन का भी प्रतिलोम, तो रिलेशन का प्रतिलोम मतलब आर इनवर्स, ये किस तरह से डिफाइंड होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाई एक्स, वाई एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, ऐसा रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, तो सारे एलिमेंट्स को ऐसे एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिलेशन इस तरह से है, आर बराबर तीन दो पांच सात छह आठ, ये हमारे पास कोई रिलेशन नहीं मान लो, ठीक है ना। तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दो तीन सात पांच और आठ छह, बस एलिमेंट्स को हम इधर उधर बदल दिए हैं, बस हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेशन से संबंधित एकदम बेसिक हो गया, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को, ठीक है।